नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने ये काले चने के कबाब बनाना सिखाया है और पराठे, आइए इस प्रकार से बनाते हैं। देखिए, चने हमने रात में भिगो दिए थे और इसको हमने उबाल लिए हैं। अब इनको हम पीस के दिखाते हैं। ये देखिए, हमने मिक्सी में इनको सबको पीस लिया है, इस प्रकार से होंगे। अब इसके अंदर हम ये ब्राउन ब्रेड मसल के डालेंगे। ये देखिए, इसको हमने बारीक बारीक इसको ऐसे करके ब्रेड को, ये तैयार हो गया। अब हम इसको जो हमने चने भिगोए पीसे थे इसमें इसको डाल देंगे। थोड़ी सी हमने हरी मिर्च डाली है, कद्दूकस किया हुआ लहसुन डाला है, कद्दूकस किया हुआ अदरक डाला और ये बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाला है। आप चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं, मगर मैंने चॉप करके डाला है। और ये थोड़ा हमने धनिया डाल दिया। देखिए, अब इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। ये हमने नमक डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्ची क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है, इसे स्वाद अनुसार डालिए। आधा चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है और हमने इसमें गरम मसाला, आप चाहे तो मीट मसाला ही मिला सकते हैं, मगर मैं इसमें गरम मसाला मिलाया है। इसको हम आपस में तो सबको ऐसे मैश कर लूँगा। देखिए, इस प्रकार से हमने सारे अच्छे से मिला। ये देखिए, इस प्रकार से इनको वैसे छोटी छोटी लोई लेके ऐसे इनको टिक्कियों को बनाते जाइए एक एक करके। ये देखिए, मुट्ठी में लीजिए ऐसे तोल लीजिए, ये बहुत ही आसानी से टिक्कियाँ बन जाती हैं। ये देखिए, इन सब का इस हिसाब से बनाएंगे, साइज टिक्कियों का साइज जैसा होगा। ये देखिए, इस प्रकार से हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। देखिए, इस प्रकार से हमने ये सारी बना दी हैं, आपको देखने में अच्छी लग रही होंगी। अब इनको हम तवे पर सेकते हैं। ये देखिए, गैस से मैंने तवा रख लिया है। अब इसमें हम हल्का सा ऐसे तेल डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है तेल क्योंकि नॉन स्टिक का तवा है ये। ये देखिए, इसको गर्म होने दीजिए। गर्म होने के बाद इसमें हम टिक्की डालते हैं। ये देखिए, तेल गर्म हो गया है। देखिए, हमें एक एक करके सब टिक्कियों को इस प्रकार से हम सारी टिक्कियाँ इसमें डाल देंगे। इसमें सब डाल दिए हैं, इनको हल्के से तेल इनको लगा करते हैं, इनको सेकना है। इस प्रकार से जब उस तरह सेक जाएंगी तो इनको पलटना है। देखिए, इस प्रकार से हम सबको सेक रहे थे। अब मैं आपको उसको पलट के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से कपड़ा देखिए चेंज हो गया है। ऐसे सभी टिक्कियों को हम पलट लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार से हमारे सारे कबाब तैयार हो गए हैं। अब हम इनको प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही आराम से ये देखिए हमने सारे कबाब बना के प्लेट में रख दिए हैं। आपको पता लग रहा होगा कितने अच्छे दिख रहे हैं, ये खाने में भी टेस्टी होंगे। इसके साथ आपको हम पराठा बनाना भी सिखाएंगे। ये देखिए, मैं कबाब के साथ आपको पराठा बनाना भी सिखा रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। ये मैंने 2 कटोरी आटा लिया है,
आधा चम्मच में मैंने नमक डाल दिया है और आधा ही चम्मच इसमें मैं अजवाइन डाल दिया है। हल्का सा इसमें जो भी आप ऑयल खाते हैं, मैंने थोड़ा सा रिफाइंड डाला है, आप जो भी खाएं देसी घी डाल चाहे वो भी डालें, इतना थोड़ा आधा चम्मच डाल के इसको आपस में मिला लीजिए। देखिए मैंने आपस में मिला लिया था, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसे हम आटा गूंदते हैं इसको गूंद लेंगे। ये देखिए हमने लोई बना ली है, अब इसको हम बेलेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमने इतना इसको बेल लिया है। पराठे तो सभी बनाते होंगे, इसमें थोड़ा अलग से बता रही हूँ। ये देखिए इस पर हम थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर हल्का सा फैला देते हैं और थोड़ा सा अजवाइन, हमने इसमें इसलिए आधा टीस्पून अजवाइन डाला था ताकि हमने इसमें भी डालना है। नमक हम पहले ही डाल चुके हैं। अब इसको ऐसे पकड़ के इसको ऐसे ऐसे करके फोल्ड करना है। ये देखिए इसको पकड़ा, फिर ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको पकड़ा, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। देखिए करने के बाद से हम ऐसे राउंड राउंड घुमा देंगे इस प्रकार से, ये ऐसा दिखेगा। और इसको फिर हमने ऐसे दबा देना है। ऐसे जो पराठे बनते हैं बड़े सॉफ्ट बनते हैं, इसके बाद हम इसको बेलना इसको बेल लेंगे जैसे हम पराठा बनते हैं। ये देखिए देखने में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए देखिए तवा गर्म हो चुका है, हमने इस पे ये पराठा डाल दिया है। ये देखिए इसको हम पलट लेंगे अब। ये देखिए अब थोड़ा वहां से भी सिकने देंगे। इस प्रकार से बने हुए पराठे थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, तभी बन जाएगा। आपको हम तोड़ के भी दिखाएंगे कि कैसा बना है ये, ऐसे कबाब के साथ खाया जाएगा। देखिए इधर से भी हल्का सिक गया है। इस पर हम देसी घी से इसको हमने पिघला लिया है देसी घी, इस प्रकार से इस पर देसी घी लगा के हमने ये देखिए अच्छे से सेक लेंगे। देखिए अच्छा सा आपको फूला फूला हल्का सा दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए इस प्रकार से तैयार हो। इसी प्रकार से हमने सभी पराठे बना लिए हैं और हमने धनिये की चटनी बनाई है। अब कबाब के साथ इसको खाइए और बताइए कि कैसा बना है।